है। There is no food, no water, and hence people and animals die of thirst and hunger. यहाँ पे ना ही खाना है, ना ही पानी है, और इस तरह से जो लोग और पशु होते हैं वो भूख और प्यास से क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, सच एन एरिया इज डिक्लेयर्ड एज ड्रोट्स अफेक्टेड एरिया। और जो इस तरह का एरिया होता है उसे क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, ड्रोट अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, वी शुड हेल्प द पीपल हु सफर्स फ्रॉम ड्रोट विद फूड क्लोथिंग एंड मनी टू आवर बेस्ट। ठीक है, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए जो सूखे की वजह से, मतलब सूखा पड़ने की वजह से फूड के साथ, क्लोथिंग के साथ और मनी के साथ क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। ठीक है, बैठ जा कार्तिक। उसके बाद देखिए, वाटर शॉर्टेज ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। तो इस तरह से जो वाटर शॉर्टेज है वो क्या है, एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। ठीक है, वॉटर शॉर्टेज हैज बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो वॉटर शॉर्टेज है वो क्या बन चुका है, कंसर्न का मैटर बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। इट इज एस्टिमेटेड दैट इन फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल ऑफ वर्ल्ड कुड फेस एक्यूट वॉटर शॉर्टेज। ठीक है, ये एस्टिमेट किया जाता है कि अब से कुछ सालों में मोर देन जो 1/1, मतलब 1/3 जो पीपल है वर्ल्ड के, वो पानी की कमी को फेस करेंगे। ठीक है, फोर्सिंग दिस फ्यूचर द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर ऑफ वाटर पर डे पर पर्सन। ठीक है, तो जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनके उनके अकॉर्डिंग देखिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए मिनिमम 1 पर्सन को 1 दिन में 50 लीटर पानी की जरूरत होती है। ठीक है, और ये पानी लगभग कितना हो जाता है, 3 बकेट पानी होता है। ठीक है, अगर इफ यू आर गेटिंग एटलीस्ट दिस अमाउंट ऑफ वाटर यू शुड कंसिडर योर सेल्फ टू बी फॉर्चुनेट एज मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर नॉट गेटिंग इम। अगर तुम्हें इतना भी पानी मिल रहा है, यानी कि अगर तुम्हें 3 बकेट पानी भी अगर तुम्हें मिल जा रहा है रोज का, तो तुम्हें अपने आप को लक्की समझना चाहिए कि तुम्हें मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिन्हें इतना पानी भी क्या नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। नो मैम। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। मैम इनसे प्लीज, हाँ बोलो बेटा। मैम इनसे पूछ लो मैम क्वेश्चन। क्या, मैम क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन कराऊंगी बेटा। मैम, आपने जो पढ़ा है मैम वो अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं? यस। अच्छा चलो ठीक है, बताओ बेटा। चलो अनम्यूट करो अपने आपको, बताओ। एक्वीफर्स क्या होता है, एक्वीफर्स क्या होता है बेटा? चलिए बताओ बेटा, एक्वीफर्स क्या होता है? बताओ बेटा, एक्वीफर्स क्या होता है?
चलिए आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास देखिए बेटा, इन सिटीज एंड टाउन्स वॉटर इज ड्रॉन फ्रॉम नियर बाय लेक्स, रिवर्स और ट्यूबवेल्स. ठीक है, सिटीज और टाउन्स में क्या होता है बेटा, जो वॉटर होता है, ठीक है, देखिए क्या है बेटा, सिटीज और टाउन्स में जो पानी होता है उसे कहाँ से निकाला जाता है, नियर बाय लेक्स, रिवर्स या फिर ट्यूबवेल से निकाला जाता है. इट इज देन प्योरिफाइड एंड देन सप्लाइड बाय पाइपलाइंस फॉर डोमेस्टिक यूज. फिर इसे प्योरिफाई किया जाता है और पाइपलाइंस के द्वारा सप्लाई किया जाता है, किसके लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए. ठीक है, ऑल दिस इज डन बाय सिविल बॉडीज लाइक PWD, डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ठीक है, ये जो सब कुछ होता है ये सिविल बॉडीज के द्वारा किया जाता है, जैसे PWD, डिपार्टमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ठीक है, बट सम विलेजेस स्टिल डू नॉट हैव पाइपलाइंस, लेकिन कुछ विलेजेस में पाइपलाइंस नहीं होती हैं. पीपल हैव टू फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स. जो लोग होते हैं उन्हें डायरेक्टली वाटर को कहाँ से निकालना पड़ता है, सोर्स से निकालना पड़ता है. ठीक है, हैव यू एवर बीन टू ए स्मॉल विलेज, तुम कभी किसी छोटे गांव में गए होगे. यू मस्ट हैव सीन वुमेन एंड चिल्ड्रन वॉकिंग सेवरल किलोमीटर्स कैरिंग स्मॉल कंटेनर्स ऑफ वाटर ऑन देयर हेड्स. ठीक है, तुमने देखा होगा वुमेन और चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, सेवरल किलोमीटर तक जा रहे हैं, जो स्मॉल कंटेनर्स को कैरी कर रहे हैं वाटर के अपने सिर के. ठीक है, कैन यू थिंक दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर दे विल बी एबल टू कैरी फ्रॉम सच अ लॉन्ग डिस्टेंस टू फुलफिल देयर नीड्स. क्या तुमने कभी सोचा है कि कितने अमाउंट वाटर वो एबल होते हैं कैरी करने के लिए, इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंस से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए. ठीक है, एंड हाउ मच टाइम एंड लेबर विल दे स्पेंड फॉर दिस टास्क, और कितना ज्यादा वो समय और मेहनत लगाते हैं, ठीक है, इस काम को पूरा करने के लिए. ठीक है, वाइल डूइंग सो चिल्ड्रन हैव टू मिस देयर स्कूल्स एंड दस वेस्ट देयर प्रीसियस टाइम ऑफ एजुकेशन. और जो बच्चे होते हैं उन्हें भी अपने स्कूल्स को मिस करना पड़ता है, और इस तरह से क्या करते हैं वो अपना एजुकेशन का प्रीसियस टाइम होता है उसे भी क्या करना पड़ता है, उन्हें गंवाना पड़ता है. ठीक है, इवन इन सम विलेजेस वेयर देयर इज कॉमन वाटर सप्लाई इन स्ट्रीट्स, कुछ विलेजेस में जहाँ पे कॉमन वाटर सप्लाई है स्ट्रीट्स में, वाटर किस में आता है, टैप्स में आता है लिमिट आवर्स के लिए. लोग जो होते हैं वो इस तरह से लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, देखो दिख रहा होगा, और वेट करते हैं कि पानी के लिए उनकी बारी आएगी. ठीक है, इन हॉट समर डेज व्हेन देयर इज नो रेन्स फॉर लॉन्गर टाइम, गर्मियों के दिनों में जब पानी नहीं होता, बारिश नहीं होती लंबे टाइम तक, तो जो लोग होते हैं उन्हें पानी की कमी जो होती है उसे भी फेस करना पड़ता है उनकी रोज की जरूरतों के लिए, घरेलू जरूरतों के लिए. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन इन न्यूज बुलेटिन दैट पीपल आर फाइटिंग एंड प्रोटेस्टिंग फॉर द डिमांड ऑफ वाटर. तुमने न्यूज बुलेटिन में देखा होगा कि जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके लिए, पानी की बढ़ती हुई डिमांड के लिए. ठीक है, मोर ओवर पीपल मे नॉट गेट वाटर विच इज प्रॉपरली प्योरिफाइड, जो लोग होते हैं उन्हें पानी नहीं मिलता जो प्रॉपरली प्योरिफाइड होता है. इट मे कोज मैनी वॉटर बोर्न डिजीज, इसकी वजह से बहुत सारी पानी वाली डिजीज भी हो जाती है, जैसे कोलेरा हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है. ठीक है, दैट मे प्रूव फेटल टू लाइफ, जो लाइफ के लिए क्या है बहुत ज्यादा हानिकारक भी है. ठीक है, उसके बाद देखिये बेटा पोर्टेबल वॉटर, पीने योग्य पानी आने के. ठीक है, तो देखिये क्या होता है, द वॉटर सुटेबल एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वॉटर, जो पानी सुटेबल होता है और फिट होता है पीने के लिए वो क्या कहलाता है, हमारा पोर्टेबल वाटर कहलाता है. ठीक है, वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इज यूजुअली कंटामिनेटेड विद मेनी जर्म्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. जो वाटर फ्रेश वाटर से ऑब्टेन्ड होता है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज से, वो यूजुअली कंटामिनेट होता है बहुत सारे जर्म्स के साथ
ठीक है, और हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ, जैसे उसमें नमक ज्यादा होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ मेटलिक इम्प्योरिटीज वगैरह होती है, ठीक है। टू रिमूव ऑल दीज सब्सटेंसेस एंड टू मेक इट जर्म फ्री, इन सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए और उसे जर्म फ्री बनाने के लिए बिग प्लांट्स आर सेट अप इन विच वॉटर इज सब्जेक्टेड टू वेरियस फिजिकल एंड ट्रीटमेंट केमिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। इस तरह सारे सब्सटेंसेस को हटाने के लिए और इसे जर्म फ्री करने के लिए जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो सेटअप करे जाते हैं, जिसमें वाटर को सब्जेक्ट किया जाता है वेरियस फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर, ठीक है। ऑल दिस प्रोसेसेस आर वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, जो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ऑन स्मॉल स्केल वाटर कैन बी मेड पोर्टेबल by adding some crystals of potassium permanganate or tablets of chlorine, ठीक है। Small scale पर क्या होता है, जो पानी होता है, ठीक है बेटा, small scale पर क्या होता है, जो पानी होता है उसे portable बनाया जा सकता है कुछ crystals डाल के, potassium permanganate के या chlorine की tablets डाल के, ठीक है। Both of these are germicidal and kill germs, ये जो दोनों ही होते हैं ये क्या होते हैं, germicidal होते हैं और germs कीटाणुओं को मारते हैं, ठीक है। Nowadays potable water for drinking purposes is available in market. आजकल क्या है कि पीने वाला पानी drinking purpose के लिए कहाँ available होता है, market में available होता है। देखो ये bottles आती हैं Kingfisher की, Bisleri की, Aquafina की, ठीक है। आई बात समझ में इतनी, एक बार वापस देख लीजिए क्या है हमारे पास। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, जो वाटर सुटेबल होता है और फिट होता है ड्रिंकिंग के लिए वो क्या कहलाता है हमारा, पोर्टेबल वाटर। जो वाटर हमें ऑब्टेन होता है फ्रेश वाटर रिसोर्स से वो यूजुअली कंटामिनेट होता है बहुत सारे जर्म्स के साथ, इम्प्योरिटीज के साथ, और एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए और इसे जर्म फ्री करने के लिए बड़े बड़े प्लांट सेटअप किए जाते हैं जहाँ पे वाटर को सब होते हैं, जर्मिसिडल होते हैं और क्या करते हैं, जर्म्स को मारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, हमारे पास पानी की सुरक्षा एक तरह से, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, पानी की सुरक्षा, कंजर्वेशन देखिए क्या है हमारे पास, वाइज एंड जुडिशियस यूज है, ठीक है, कि हमें जो पानी का जो यूज करना चाहिए वो अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, हमें जो पानी का यूज करना चाहिए वो अच्छी तरह से यूज करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए पानी का। तो जो पर्पस है वाटर कंजर्वेशन का वो देखिए क्या है, वाटर रिसोर्सेस को रिचार्ज करना, ठीक है, वाटर सेविंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, पानी को बचाना, एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाना, प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम पॉल्यूशन, यानी कि रिसोर्सेज को
प्रोटेक्ट करना प्रदूषण, टू अवॉइड वाटर का जो वेस्टेज हो रहा है उसे अवॉइड करना, ठीक है। और बताइए बेटा, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। पूछिए बेटा, यहाँ तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो चलिए बताइए, कौन बताएगा? सियाराम अनम्यूट करो बेटा। सियाराम अनम्यूट करो अपने आप को। करो बेटा, हाँ बताओ। पोर्टेबल वाटर की जो बॉटल मिलती है बच्चों, बताइए। कौन बताएगा? हैंड रेज करो। किस किस नाम से मिलती है वो? बिस्लेरा, बिस्लरी हो गई, किंगफिशर हो गई, एक्वाफिना हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।